दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कैसे किशोर कुमार की वजह से रफी साहब अपना कॉन्फिडेंस लूज कर बैठे थे। ये बात तो आप सभी को पता है कि 1969 में राइस खन्ना के आते ही किशोर कुमार एक बहुत बड़े स्टार बन गए थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि किशोर कुमार अपने में बहुत बड़े सिंगर थे और आराधना मूवी के बाद उनकी सारी की सारी गाने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाना साबित हो रही थी। 1969 में आराधना आई और अगले 10 साल तक 1979 तक किशोर कुमार एक अनडिस्प्यूटेड सिंगर थे। इस बात से चिंतित होकर रफ़ी साहब हमेशा सोच में रहते थे और अपने करीबी मित्र से यही सवाल करते थे कि क्या मैं एक बुरा सिंगर बन गया हूँ? मेरे कंपेयर में किशोर की सारी गाने हिट पे हिट जा रही है और आजकल तो कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर भी मुझे पूछने नहीं आ रहे हैं। एक दिन की बात है जब रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठे हुए अपने एक संगीत को रिकॉर्ड कर रहे थे। इसी बीच उनकी भेंट अपने गुरु और अपने करीबी मित्र नौशाद से हुई। नौशाद के बारे में आप सभी को पता है, पर जिन्हें नहीं पता बताना चाहूँगा, अगर भारत के इतिहास में टॉप म्यूजिक कंपोजर का नाम लिया जाए तो नौशाद उसमें नंबर वन पे ही आएंगे। रफ़ी और नौशाद ने मिलकर अनगिनत ऐसे गाने दिए हैं जो आज भी टॉप सॉन्ग्स इन बॉलीवुड में अगर गिना जाए तो मैं तो बोलता हूँ कि 100 की 100 सॉन्ग्स इन दोनों की ही होगी। चाहे वो क्लासिकल हो, रोमांटिक हो, सैड सॉन्ग हो, हर सॉन्ग्स दोनों ने मिलकर प्रोड्यूस किया है और ये सारे सॉन्ग्स दिल के बहुत करीब हैं। अब रफ़ी साहब और नौशाद के बीच में एक भाई की तरह रिलेशन था और रफ़ी साहब नौशाद को अपना गुरु भी मानते थे। बड़े भाई होने के नाते नौशाद भली भांति जानते थे और शायद उन्हें ज्ञात भी था कि रफ़ी किस दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बातों ही बातों में रफ़ी से उनके हालचाल के बारे में पूछ लिया। अब कहते हैं ना, जब कोई इंसान टूटा हुआ होता है तो उन्हें अगर थोड़ा सा भी सहारा दे दे तो वो पूरा का पूरा अपने आप को सौंप देता है। यही चीज़ रफ़ी साहब के साथ हुआ। रफ़ी साहब टूट गए और सारा बात उन्होंने खुलकर नौशाद से बयां कर दिया। इस बात को सुनकर पहले तो नौशाद बहुत नाराज हो गए और उन्होंने डांटते हुए रफ़ी साहब से कहा कि ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो? तुम मोहम्मद रफ़ी हो और मोहम्मद रफ़ी एक है। तुम्हारे जैसा सिंगर ना होगा, ना है और ना आने वाला है कई सदियों तक। जब मन्ना डे जैसे क्लासिकल सिंगर भी तुम्हें ये बोलते हैं कि रफ़ी साहब से गाओ, गाना गवाओ और वो तुम्हें पूछते हैं तो तुम एक उस सिंगर से तुम भयभीत हो रहे हो या उस सिंगर वो सिंगर तुम्हारा कैसे तुम्हें इतना तुम्हें डीमोटिवेट कर रहा है जिसे तुम क्लासिकल भी नहीं आता है, तुम क्लासिकल के तुम उस्ताद हो। ये कहते हुए नौशाद वहाँ से विदा लिए और उन्होंने रफ़ी साहब को अपनी एक मूवी के एक सॉन्ग के लिए उन्होंने रफ़ी साहब को अपने घर बुलाया। नौशाद साहब भली बात जानते थे कि अगर रफ़ी को इस समय एक अच्छी संगीत ना दिया तो शायद वो पूरी तरह टूट जाएंगे और अपना विश्वास पूरी तरह खो बैठेंगे। इसलिए नौशाद ने रफ़ी को सजेस्ट किया कि तुम मेरी आने वाली फिल्म माई फ्रेंड भैरवी के लिए गाना गाओ और ये गाना क्लासिकल सॉन्ग है। इस गाना के बोल थे, नैया मेरी चलती जाए, या मेरी चलती जाए, सहारे तेरे बढ़ती जाए, ये नैया मेरी च...
चलती जाए सहारे तेरे बढ़ती जा। ये गाना बहुत चली और ये चल और जब रफी गाना गा भी रहे थे तब भी उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस वापस से आ रही थी। कहते हैं ना कि किसी भी इंसान को अपना कॉन्फिडेंस तब तक दोबारा से एहसास नहीं होता है जब तक उस फील्ड में वो कूद नहीं जाता है, और यही साथ यही चीज़ रफ़ी साहब के साथ हुआ। रफ़ी साहब ने जैसे ही क्लासिकल गाना शुरू किया उनका कॉन्फिडेंस भी वापस आने लगा। चलो बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों। सॉन्ग हिट होने के जस्ट कुछ चंद महीनों के बाद ही फिल्म वर्ल्ड मैगजीन ने रफ़ी साहब को वर्ल्ड की बेस्ट सिंगर में से सिंगर के लिए भी उन्हें अवार्ड दिया। और इसके कुछ साल के बाद एक मूवी निकली थी, आप लोग ने नाम सुना होगा, हवस मूवी, जिसकी संगीत था, जिसकी सॉन्ग था तेरे गलियों में ना रखेंगे कदम। ये गाना बहुत चली थी गाना, और ये गाना मेरी भी वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग है। इस गाना के लिए रफ़ी साहब को नेशनल अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट सिंगर। और फिर से उसके कुछ साल के बाद आपने एक और गाना सुना होगा, जो गाना बहुत प्रसिद्ध गाना है, क्या हुआ तेरा वादा ये कसम वो इरादा। इस गाने के लिए भी रफ़ी साहब को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला। तो मुझे लगता है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी।